बचपन में मुझे अपनी मॉम के कपड़े पहनना बहुत पसंद था। जब घर पे कोई नहीं होता था, जब घर वाले कहीं बाहर चले जाते थे, तो चुपके से मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं अपने मॉम के कपड़ों को ट्राई करूं। लेकिन जो एक फीलिंग मुझे मिलती थी, जो एक खुशी का एहसास मुझे वो कपड़े पहनकर होता था, जो खुशी का एहसास मुझे ये समझ कर होता था कि मैं एक लड़का नहीं, एक लड़की हूँ, वो एहसास बहुत खूबसूरत होता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी लाइफ का एक फेस है जो धीरे धीरे बड़े होते होते चला जाएगा। हो सकता है बड़े होते होते ये एक प्रॉब्लम है जो शायद चली जाएगी, मगर फोर्थ से फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवेंथ कॉलेज और बड़े होते होते मेरी जॉब तक, मैंने देखा कि ये पार्ट मेरे अंदर से नहीं जा पा रहा था। मेरी मॉम को समझाना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी टाइम लगा मुझे, कम से कम 2 से 2.5 साल मुझे उन्हें ये समझाने में लग गए कि मैं एक ट्रांसवुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं। ये सब उनको समझाना किसी भी मदर के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से एक लड़के की तरह देखा है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में जीना रहना बहुत मुश्किल काम है। हर ट्रांसवुमेन या तो डांस करती है या फिर मेकअप लाइन में होती है। कुछ ट्रांसवुमेन्स के कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो सोसाइटी उन्हें देती है, मोस्टली वो वही काम करती हैं। मगर मैंने देखा कि टैटू आर्टिस्ट ट्रांसवुमेन कोई नहीं है, कोई ऐसी ट्रांसवुमेन नहीं है जो टैटूज बनाती हो। मुझे इस काम से फैसिनेशन भी मिली और मुझे लगा कि ये काम मुझे आगे हेल्प करेगा। आर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो नहीं जानते कि मैं एक ट्रांसवुमेन हूँ, और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर एक लड़के की तरह रहना होता है, और फिर जब मैं अपने स्टूडियो पर आती हूँ अपना काम करने, तब मैं रोज़ यहाँ आके चेंज करती हूँ, मेकअप करती हूँ, एक लड़की के गेटअप में, एक लड़की की आइडेंटिटी में यहाँ आकर मैं जाती हूँ और फिर अपने दिन को यहाँ गुजारती हूँ। और फिर मुझे वापस जब घर जाना होता है तो दोबारा से मुझे एक लड़के की आइडेंटिटी में जाना होता है। पिछले 3 साल से मुझे रोज़ सुबह उठकर अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ता है। मुझे ये करने में बहुत मज़ा नहीं आता है, मुझे ये करने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, मगर सोसाइटी में का ऐसे रूल्स बना रखे हैं, सोसाइटी का ऐसा प्रेशर है मेरे ऊपर कि मैं ये चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ। अब रात को मुझे पता है कि मुझे चेंज करके जाना है, तो मुझे वेट करना पड़ता है कि सब जब चले जाएं, जब सारा स्टूडियो खाली हो जाए तभी मैं जा सकती हूँ। तो सुबह सबसे जल्दी आना और रात को सबसे लेट जाना मेरी ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम है जो मुझे रोज़ करनी ही करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि अब मुझे जाना ही जाना है और टैटू लेट तक चल रहा है, कभी कभी टैटूज़ 11-12 बजे तक चलते हैं, तो मुझे अपने उन क्लाइंट्स के आगे ही चेंज करना पड़ता है, जो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है देखना, जो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो हर कोई मुझे एक नज़र से देखता है। मैं किसी कैब में जाती हूँ तो मुझे अनसेफ महसूस होता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में अगर मैं जाती हूँ, अगर रात को मैं कभी ट्रैवल कर रही हूँ, अगर रात को मैं कहीं पार्टी से आ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत अनसेफ हो जाता है दिल्ली में ये रहना। लॉस तो आ गए हैं, सेक्शन 377 आ चुका है। सेक्शन 377 का मतलब यही है कि अब ये चीज़ डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है। अब अगर मैं ऐसा रहती हूँ, ऐसा रहना चाहती हूँ और ऐसी आइडेंटिटी में जीना चाहती हूँ, तो इसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर असलियत इससे बहुत दूर है। आज अगर अपनी सोसाइटी में ही मैं जाकर ये बता दूँ, अपने आसपास पड़ोसियों को ही मैं ये जाकर बता दूँ, तो वो मेरा जीना बहुत हराम कर देंगे, मेरे लिए मेरी लाइफ की और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं लॉ की मदद भी लेती हूँ तो भी ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बढ़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, कभी कोई लड़का मुझे छेड़ दे या कभी ईव टीजिंग हो जाए और मैं कंप्लेंट करने जाऊं, तो मेरी आइडेंटिटी की वजह से, मेरे ट्रांसवुमेन होने की वजह से पुलिस मेरे साथ कैसा पेश करती है।